Now we come to the next topic, that is soil profile. What does this soil profile means? Soil profile का मतलब जैसे कि आप एक apple को आधा काट दीजिए और उसमें से एक टुकड़ा one piece निकाल लीजिए, तो वो कितना गहरा है apple, उसी तरह से उसी को प्रोफाइल कहते हैं कि कितना वो डीप है। अगर हम अर्थ को एक टुकड़े में काट दें और उसके अंदर जाएं, अर्थ के अंदर नीचे, तो उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सो यू वी यूजुअली सी दैट टॉप सरफेस ऑफ सॉइल जो हम लोगों को दिखता है वो क्या है, वो दैट इज द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। पर उसके नीचे कौन कौन सी लेयर्स हैं ये हम नहीं देख पाते, है ना। सो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल में एक वर्टिकल सेक्शन सॉइल का किया जाए और उससे फिर हमें जो उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में पता चलता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। एंड दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजन, और इन लेयर्स को हम हॉरिजन भी कहते हैं। लाइक इन सॉइल प्रोफाइल इन दिस फिगर यू कैन सी चिल्ड्रन, द टॉप मोस्ट लेयर the topmost layer means this layer of soil, it is the first layer and it is termed as a horizon or top soil. Now we come to the second layer of soil, this is called as b horizon or subsoil, and this is the third layer and fourth layer, that is from here to here it is third layer c horizon or substratum, and the fourth is the rock or bedrock. This layer consists of bedrock. अब ये जो bedrock layer है इसी के ऊपर underground water reside करता है, जो हम लोग tube well से या hand pump से पानी निकालते हैं वो इस bedrock के ऊपर ही रहता है, और हम लोग उस वहाँ से पानी को वो that is underground water, वो बेडरॉक के ऊपर ही रहता है, उसके नीचे नहीं जाता। नाउ दिस ए हॉरिजन इज़ वेरी फर्टाइल लेयर बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेवल सैंड क्ले ह्यूमस, सो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, एंड इन दिस लेयर ओनली मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स ग्रो इन दिस फर्स्ट लेयर। नाउ बिग ट्रीज देयर रूट्स पेनिट्रेट टू अप टू द सेकेंड लेयर, वो सेकेंड लेयर तक लंबे होते जाते हैं और सेकेंड लेयर तक पहुँच जाती हैं उनकी जड़ें, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें, और वहाँ से भी वो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉयल, एंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉयल आर मोस्टली there are four layers, a horizon, b horizon, c horizon and d horizon. Now we come to top soil a horizon. ab iski kya kya importance hai uske bare mein padhenge. the uppermost layer of the soil is called top soil and it is also called a horizon. the top soil shows the following features. top soil mein ye niche jo features diye hue hain ye dikhta hai, ye hota hai, kya kya hota hai. It is darkest in color. इसका color सबसे dark है, as it is rich in humus and minerals. The humus present in the top soil make the soil fertile. Top soil में humus है और humus की वजह से soil क्या हो जाती है, fertile. Plants get the essential nutrients from this layer. Now see, this layer is generally soft,
porous and can retain more water. ये जो टॉप लेयर है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मीन्स इसके अंदर एयर गैप्स होते हैं एंड कैन होल्ड मोर वाटर, और ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब कर सकती है. टॉप सॉइल गिव्स शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स. टॉप सॉइल बहुत सारे जानवरों को शेल्टर भी देती है, मीन्स बहुत सारे जानवरों का घर ही सॉइल के अंदर होता है. The roots of most of small plants are confined entirely in this layer. और जितने भी छोटे पौधे होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स जो हैं वो सिर्फ टॉप सॉइल तक के लेयर तक ही पहुँच पाती हैं, वो सब सॉइल तक नहीं पहुँचती. Now next we come to the subsoil, that is bee horizon. So the layer of soil which is just below the top soil is called subsoil and it is also called bee horizon. And in this layer, it is lighter in color. इसमें soil का color थोड़ा सा हल्का होता है. It is harder and more compact. ये layer जो है थोड़ा hard होता है और ज़्यादा compact होता है, means इसके अंदर air gaps बहुत कम होते हैं. Roots of trees generally reach this level. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके roots इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, स्मॉल प्लांट्स के रूट यहां तक नहीं पहुंचते. नाउ वी कम टू द थर्ड, दैट इज सबस्ट्रेटम एंड इट इज सी हॉरिजन. द लेयर ऑफ सॉइल विच इज जस्ट बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, इट इज आल्सो कॉल्ड सी हॉरिजन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स फॉर्म बाय पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक. अभी जो सबस्ट्रेटम लेयर है ये रॉक्स से बने होते हैं, इसमें जो है वेदरिंग पार्शियल मीन्स पूरी कंप्लीट वेदरिंग नहीं हुई होती है, वो पूरा सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, लेकिन उनमें छोटे छोटे या कुछ बड़े छोटे हर साइज़ के रॉक पार्टिकल्स उसमें मिलते हैं एंड इट इज़ जस्ट बिलो द बी हॉरिजन एंड दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इज इनफर्टाइल. और इस लेयर में ह्यूमस भी नहीं होता और इस वजह से ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती. दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस. इसकी पहचान ये है कि इस सॉइल में जगह जगह पे क्रैक्स और क्रेवाइसेस रहते हैं. नाउ वी कम टू द फोर्थ, दैट इज बेडरॉक और डी हॉरिजन. द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड बेडरॉक. अब वो लेयर जो सी हॉरिजन के नीचे है या सबस्ट्रेटम लेयर के नीचे है, दैट इज कॉल्ड बेडरॉक और डी हॉरिजन एंड द बेडरॉक इज सॉलिड नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक. बेडरॉक जो है वो सॉलिड है, नॉन पोरस मीन्स इसमें कोई भी गैप नहीं है और बहुत ही हार्ड लेयर है. दिस लेयर कैन नॉट बी इजीली डग अप इवन विद द स्पेड. और इस लेयर को डिग करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स इट कंटेन्स. तो सॉइल जो है थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है और ये डिवीज़न उनका उनके अंदर किस तरह के रॉक पार्टिकल्स, कितने ह्यूमस और कितने क्या चीज़ साइज ऑफ पार्टिकल्स, इन सब पे डिपेंड करते हुए इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे फर्स्ट इज़ द सैंडी सॉइल. ऑल ऑफ यू नो सैंडी सॉइल, सैंड देखा ही होगा है ना. तो फर्स्ट इज़ द सैंडी सॉइल, इट इज़ फाउंड नियर द सी शोर, रिवर शोर, नदी या समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं. इट इज़ बिगर इन साइज, थोड़ा सा वो बड़े साइज़ के होते हैं. इट कैनॉट होल्ड वाटर, इसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है. सैंड के ऊपर जितना पानी डालोगे सब बह जाएगा. क्यों? क्योंकि सैंड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. इट लैक्स ह्यूमस ऑल्सो, इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है ना. नावे रीड देम सेपरेटली.
So there are three types of soil, that is sandy soil, clayey soil and loamy soil. And now we will study one by one the different type of soils. First, sandy soil, as I have explained, its size is neither very small and nor big. It is 70 to 80%. It contains a large amount of sand, 70 to 80%, and very small amount of silt and clay particle. है ना, इसमें सिल्ट और क्ले पार्टिकल या तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो बहुत कम होता है. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, हैंस वी कैन से दैट सैंडी सॉइल इज़ वेल एरेटेड. सैंडी सॉइल में बड़े होते हैं टुकड़े, इसलिए इनके बीच में गैप्स ज़्यादा होते हैं और उन गैप्स में एयर ट्रैप रहता है. Second quality, sand particles have large spaces between them and this make them very porous. Sand particles बड़े होने की वजह से इनके बीच में gap ज़्यादा होता है और ज़्यादा gap होने से ये ज़्यादा porous हो जाते हैं और ज़्यादा porous होने की वजह से ये water को hold नहीं कर सकते. हम जितना भी water sand पे डालेंगे वो सारा का सारा पानी बह जाएगा. Now third quality, सैंडी सॉइल इज़ लाइट. इसका कलर क्या होता है? हल्का होता है. इट हैज़ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाई विंड इफ़ लेफ्ट बेयर. इसका कलर भी हल्का होता है और ये पार्टिकल्स भी, इनका वेट भी कम होता है, इस वजह से ये आसानी से हवा में बह सकता है, उड़ सकता है. नाउ सैंडी सॉइल लैक ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होता एंड इट इज़ लेस फर्टाइल. सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, it has less humus and few soil organisms, hence it is not suitable for growing crops. अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है, बहुत बड़े गैप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोरस होता है जिससे कि वाटर होल्ड नहीं कर सकता और इसमें ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा नहीं रह सकते और इस वजह से सैंडी सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इट इज़ नॉट स्टिकी, सैंडी सॉइल जो है स्टिकी नेचर, स्टिकी भी नहीं होता है. सैंड को छुओगे तो तुम्हारे हाथ में चिपकेगा नहीं. सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू दैट इज़ क्लेई सॉइल. अब सैंड के अपोजिट क्लेई, क्लेई सॉइल इज़ वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स. इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट. इसमें सैंड और सिल्ट बहुत ही कम होता है. इट कंटेन्स सम ह्यूमस, थोड़ा बहुत ह्यूमस इसके अंदर होता है. क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे पैक टाइटली टुगेदर. क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे होने की वजह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं और इनके अंदर एयर स्पेस बहुत कम होता है. क्ले सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड क्ले पार्टिकल्स विच मेक इट लेस पोरस. बहुत टाइटली पैक्ड होने की वजह से और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से ये पोरस भी नहीं होते और पानी को बहने नहीं देते हैं. दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है. क्ले सॉइल गेट्स वाटर लॉग्ड ईजिली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब क्ले सॉइल इतनी चिकनी होती है कि बारिश के टाइम में अगर क्ले सॉइल पे पानी बरसेगा तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी मिट्टी के ऊपर पानी भर जाएगा. क्ले सॉइल इज़ हेवी बिकॉज इट होल्ड्स मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल. क्ले सॉइल भारी भी होती है क्योंकि वो सैंड से ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर सकती है. क्ले सॉइल की एक और ख़राबी कह सकते हैं कि क्ले सॉइल को अगर एकदम ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है. क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट, और जब ये गीला होता है क्ले सॉइल तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा चिपकने वाला होता है. जैसे आप लोग देखते होंगे कि मुल्तानी मिट्टी, अगर उसे हाथ से छुओगे तो हाथ में लग जाएगा, लेकिन वो इतना चिकना और सॉफ्ट होता है कि लोग उसे फेस पे भी लगाते हैं. पहले लोग उससे बाल वाल भी धुलते थे.
Now next we come to the loamy soil. Loamy soil contains an equal amount of sand and clay. लोमी सॉइल जो है इसमें सैंड और क्ले दोनों ही सॉइल का मिक्सचर है. इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट, इसमें सिल्ट भी होता है एंड इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड अपीयर साइक्लिक कोर्स, थोड़ा रफ भी दिखता है, छूने में दरदरा भी होता है. लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और इस वजह से लोमी सॉइल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बेस्ट है. It has the right water holding capacity that is necessary for the growth of plant. ये correct amount में water holding capacity इसकी होती है और इस वजह से plants इसमें अच्छे से grow कर पाते हैं. Loamy soil has adequate air spaces. इसमें adequate means ज़रूरत के मुताबिक सही quantity में air spaces होते हैं जिनमें कि ये air को trap कर लेते हैं और वो roots को अवेलेबल हो जाता है. लोमी सॉइल कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस. लोमी सॉइल में ह्यूमस की भी मात्रा सफिशियंट अमाउंट होती है जिससे कि वो सॉइल फर्टाइल हो जाते हैं और प्लांट्स के लिए इजी हो जाता है बिकॉज दे गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस. लोमी सॉइल कैन बी प्लॉट इजीली इन द क्रॉप फील्ड. क्रॉप फील्ड में लोमी सॉइल को आसानी से प्लॉ किया जा सकता है और दैट इज़ ऑल. इन दिस वे यू कैन से दैट लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स वेर एज सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल आर नॉट सो एफिशियंट टू ग्रो प्लांट्स इन देम. सो चिल्ड्रन टुडे ओनली दिस मच. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड.